हेलो, वेलकम टू प्रथम IAS। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि आखिर अग्निवीर जो अग्निपथ पथ स्कीम है वो क्यों न्यूज़ में है। ठीक है, तो ये एक पॉलिटिकल न्यूज़ है, बट हम लोग इसके फैक्ट्स के बारे में जानेंगे। तो देखिए, आपको पता होगा कि अभी अपकमिंग मंथ में जो है हिमाचल प्रदेश और कुछ अदर स्टेट्स में असेंबली इलेक्शंस होने वाले हैं। ठीक है, तो जब अग्निवीर और अग्निपथ जो अग्निपथ स्कीम लॉन्च हुआ था, उस टाइम पे जब हिमाचल प्रदेश के दौरे पर थे प्रधानमंत्री, तो वहाँ पे कुछ यूथ ने प्रोटेस्ट किया था अग्निपथ स्कीम के कुछ कंसर्न्स के बारे में। ठीक है, तो हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि फिर से जो है ये हिमाचल प्रदेश में क्यों ऐसा है। देखिए, पॉलिटिकल रीजंस अपनी हो सकती है, लेकिन हम लोग कुछ फैक्ट्स भी देखेंगे यहाँ पे और जानेंगे कि एक्चुअली इस स्कीम से क्या क्या फ़ायदा होगी और आखिर इसका ग्लोबल इम्पैक्ट क्या होने वाला है जियोपॉलिटिक्स में, और साथ साथ जो इंडिया के लिए क्यों बेनिफिशियल है। ठीक है, तो हम लोग फैक्ट्स की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपके लिए एक क्वेश्चंस लेकर के आए हैं। तो क्वेश्चंस लेकर के आए हैं कि एज ऑफ अक्टूबर 2022 हाउ मेनी बैंक्स साइंड एन MOU विद इंडियन आर्मी फॉर अग्निवीर सैलरी अकाउंट अंडर अग्निपथ स्कीम। ऑप्शन है 12, 8, 5, 11, 9। ठीक है, तो 5 ऑप्शन है, आप लोग इसे कॉमेंट में बताइए, फिर हम लास्ट में आपको इसके एक्सप्लेनेशन बनाएंगे। तब तक हमारे साथ बने रहिए और देखिए अब इसकी डिस्कशन। ठीक है, तो देखिए अभी जो है एक बीजेपी के लीडर्स हैं, ठीक है, जो पहले इंडियन आर्मी में थे और वो जो 1962-65 की जो युद्ध थी उसके साथ कुछ और इम्पोर्टेंट युद्ध उसमें उन्होंने पार्टिसिपेशन किया था, तो वो अभी बीजेपी ज्वाइन किए हैं, तो उन्होंने इस पार्टिकुलर इशू को रेज किया है। ठीक है, तो हालांकि इस स्कीम को लॉन्च हुए 4 महीने हो गए हैं, लेकिन अग्निपथ स्कीम के रिक्रूटमेंट के लिए जो है ना ये एक बहुत बड़ा इशू है हिमाचल प्रदेश के लिए। रीजन क्या है मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जब रोड शो हुआ था धर्मशाला में मोदी जी का, उस टाइम पे 300 यूथ को जो हिमाचल प्रदेश की जो सरकार है उन्होंने क्या किया था कि आपको अरेस्ट किया था। ठीक है, अरेस्ट किया था, क्यों? क्योंकि वो PM के लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे। ठीक है, रीजन क्या है कि देखिए हिमाचल प्रदेश जो है ना वहाँ के लगभग 3 लाख लोग जो है ना वो करेंटली डिफेंस सर्विस में या एक्स सर्विसमैन है इंडियन आर्मी या इंडियन एयरफोर्स बोल सकते हैं या इंडियन नेवी, तीनों को मिला करके लगभग 3 लाख लोग या तो सेवा दे चुके हैं या सेवा कर रहे हैं, जिसमें से 80% जो है ना वो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट की होगी या तो ऊना की होगी और हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट की होगी, और लगभग 8 लाख अनएम्प्लॉयड जो है ना रजिस्टर्ड है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस अक्रॉस ऑल द आर्मीज़। ठीक है, तो इन सब एम्प्लॉयबिलिटी जो अनएम्प्लॉयबिलिटी वहाँ पे ज़्यादा है, इन सब के कारण से आप बोल सकते हो कि गवर्नमेंट में के जो लोग हैं उन्हें समय समय पर क्या होता है आपको इन सब चीज़ों के साथ प्रोटेस्ट युद्ध की झेलनी पड़ती है। साथ ही साथ अभी जो है ना इंडियन एयरफोर्स ने फर्स्ट मेल एज वेल एज फीमेल के लिए 2022 में जो है ना अग्निवीर जो आपको अग्निवायु होगी एयरफोर्स के लिए उसके लिए रिक्रूटमेंट स्टार्ट किया था, इस कारण से भी वो यहाँ पे आपको न्यूज़ में थे। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। देखो, अगर किसी भी पार्टिकुलर कंट्री को अपनी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और सॉवरेनिटी को मेंटेन करना है तो आपको अपने सेना को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आपने हाल ही में देखा कि जो अफ़गानिस्तान की क्या स्थिति हुई, अफ़गानिस्तान के लर्न्ड जो सैनिक थे जो USA ने 20 साल तक वहाँ पे उन लोगों को सिखाया, इतनी गहरी आप बोल सकते हो ट्रेनिंग के बावजूद जब अपने सॉवरेनिटी अपने फ्रीडम की बात आई तो अफ़गानिस्तान के लोगों ने एक अनस्किल्ड मैन और एक बोल सकते हैं कि जो अपनी धरती के लिए मरने की जब बात आई तो वो लोग पीछे हट गए, और इवन उनके जो लीडर थे उस टाइम के तत्कालीन राष्ट्रपति अफ़गानिस्तान के वो भी कंट्री छोड़ करके भाग गए। तो आपको पता होगा कि करेंट के जियोपॉलिटिक्स में इंडिया इज़ एट देयर पिक, इंडिया को सबकी नीड है, और आपको पता होगा कि जो इंडियन ओशियन है इस सदी का सबसे इम्पॉर्टेंट जो है ना ट्रेड रूट होने वाला है, क्योंकि 70% ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड विल पास थ्रू दिस ओशियन, और इंडिया को अगर
इस दुनिया के पटल पे बना रहना है तो आपको अपनी टेरिटरी के साथ साथ अपनी जो इंडिया की एक इंडियन ओशियन में आप बोल सकते हो स्ट्रेंथन पॉइंट है वहाँ भी मेंटेन करना पड़ेगा। और उसके लिए कहीं ना कहीं आप बोल सकते हो कि आपको जो है अपनी सेना को तंदुरुस्त करना पड़ेगा अपने घर के अंदर भी और अपने बाउंड्री पे भी, ठीक है। हालांकि समय समय पे बहुत सारी आपको घर के अंदर भी मतलब अपने देश के अंदर भी इसकी विरोध होती रहेंगी, लेकिन जब गवर्नमेंट सोचती है तो उन्हें फ्यूचरिस्टिक सोचना चाहिए। तो इन सब चीज़ों को अगर आप जियो पॉलिटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो अग्निवीर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट एक स्कीम है, ठीक है। अब हम जानते हैं कि आखिर ये जो न्यूज़ में है अग्निवीर स्कीम, इसके अग्निपथ स्कीम के रूल्स क्या क्या हैं, इनके रिक्रूटमेंट की क्या, ठीक है, और कैरेक्टरिस्टिक या बोल सकते हैं इनके अंदर जो बेनिफिट्स होंगे क्या क्या मिलेंगे, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले अगर आप देखोगे तो इस पार्टिकुलर स्कीम में 45,000 से लेकर के 50,000 सोल्जर्स को, जिसको हम अग्निवीर कहेंगे, उसको एनुअली रिक्रूट किया जाएगा फॉर अ शॉर्ट पीरियड। एंड उसमें से 4 साल के बाद जो है ना 75% ऑफ रिक्रूटमेंट ऑफ अ गिवन बैच विल बी रिटायर्ड, या उन्हें आपको वॉलेंटरी छोड़ना पड़ेगा। हालांकि इसमें से 25% जो बहुत अच्छे होंगे उन्हें नेक्स्ट 15 सालों के लिए जो है आपको परमानेंट कमीशन के द्वारा आपको क्या किया जाएगा, जोड़ा जाएगा, ठीक है। अगर आप इसके फॉर्मेट को देखो तो हालांकि एस्पिरेंट को जो है ना इसमें एज ग्रुप पहले 17.5 ईयर से लेकर के 21 ईयर रखा गया था, और बाद में जो है जैसा आप यहाँ पे देख रहे हो, मैं आपके लिए यहाँ पे दिखा देता हूँ, द हिंदू का ये आर्टिकल है कि अपर एज लिमिट जो 21 ईयर था उसको बढ़ा करके 23 कर दिया गया। तो अगर आप एज लिमिट की बात करोगे तो ये कितने परसेंट है, तो एज लिमिट जो है इसका अब 23 ईयर्स है, ठीक है। एलिजिबल होगा अप्लाई करने के लिए 17.5 से लेकर के 23, ठीक है। और ये जो स्कीम है ये केवल और केवल पर्सन बिलो ऑफिसर्स रैंक्स के लिए ही है, ठीक है। अगर आप रिक्रूटमेंट की बात करोगे तो ये साल में 2 बार इसकी रैलीज होगी, और ये जो है ना ऑल इंडिया ऑल क्लास रिक्रूटमेंट के बेसिस पे होगा, मतलब किसी भी कास्ट क्रीड जाति आधार के पर जो है ना इसमें विभाजित नहीं किया जाएगा। और ये जो होगा ये रेजिमेंट सिस्टम के आधार पर होगा, और ये रीजन और कास्ट बेसिस पे होगा, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को मतलब हालांकि ये जो नहीं होगा, लेकिन अभी तक जो रिक्रूटमेंट हो रही थी वो रेजिमेंट और कास्ट बेसिस पे हुआ करता था, लेकिन इसमें आपको ऐसा कुछ नहीं देखने को मिलेगा। अगर आप इसके ट्रेनिंग पीरियड की बात करोगे तो 6 मंथ का ट्रेनिंग होगा, और उसके बाद आपकी डिप्लॉयमेंट होगी फॉर द नेक्स्ट 3.5 ईयर्स। अगर आप इसके सैलरी और बेनिफिट की बात करोगे तो सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है कि आपको एक रोबूस्ट और लिक्रेटिव सैलरी दिया जाएगा, जिसमें 30,000 रुपये की सैलरी होगी, साथ में साथ आपको जो एडिशनल बेनिफिट्स होते हैं जिसको मिलाकर के आपकी सैलरी लगभग 40,000 रुपये हो जाएगी, ठीक है। और एंड ऑफ द 4 ईयर्स ऑफ सर्विस आपको जो है एक तरीके से बोल सकते हैं आपके जो 30% आपके सैलरी से एक पार्टिकुलर सेवा निधि प्रोग्राम बनाया गया, जिसमें आपके सैलरी का 30% उसमें दिया जाएगा, और गवर्नमेंट भी क्या करेंगे कंट्रीब्यूट करेंगे इक्वल अमाउंट एवरी मंथ। और जब आप 4 साल के बाद जब आप एक तरीके से आप वॉलंटरली नौकरी को छोड़ेंगे, ठीक है, एज अ डिसिप्लिनड सिटीजन ऑफ दिस लवेबल कंट्रीज, तो आपको एक लमसम अमाउंट जो है ना 12 लाख रुपए के आसपास मिलेगा, और जो एक टैक्स फ्री अमाउंट होगा, ठीक है। 25% सोल्जर्स जो सेलेक्टेड होंगे उसको 4 ईयर्स पीरियड में उसको कंसिडर किया जाएगा, ठीक है, रिटायरमेंट के लिए नहीं कंसिडर किया जाएगा, क्योंकि आपको पता होगा इसमें 25% जो है ना मतलब एक तरह से उन्हें आगे प्रोसीड किया जाएगा। अगर आप बेनिफिट की बात करोगे तो और भी क्या है कि ये जो पार्टिकुलर है वो आर्म फोर्सेस को लीनर और यंगर बनाना है। अभी आपको पता होगा कि आर्म फोर्सेस की जो एवरेज एज है ये 32 ईयर्स है, और इसको कम डाउन करके 4 से 5 साल चाहती है कि आर्म फोर्स 25-26 रखे, और इसीलिए ये इम्पॉर्टेंट है कि यूथ को पार्टिसिपेशन होना चाहिए। साथ ही साथ जो एक्सचेकर है डिफेंस की उसमें पेंशनर बहुत ज़्यादा होते हैं। तो होता क्या है कि अगर आप अपने बजट जो है आपका डिफेंस उसमें से मैक्सिमम अमाउंट आप क्या करते हो सैलरी और पेंशन पे खर्च कर देते हो, तो जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है जो फ्यूचरिस्टिक वॉरफेयर के लिए जो इक्विपमेंट चाहिए कहीं ना कहीं उसकी फंडिंग में कमी आ जाती है। तो इस पार्टिकुलर चीज़ को बढ़ावा देने के लिए मतलब फंडिंग को बढ़ावा देने के लिए कहीं ना कहीं आपको क्या करना पड़ेगा तो सैलरीज को कम करना पड़ेगा। हालांकि इसके अपने कंसर्न्स हैं, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ने लगेगी, लेकिन आपको ये भी ध्यान पढ़ना पड़ेगा
कि और भी दूसरे भी स्कीम हो सकते जहाँ पे आप इसे डाइवर्सिफाइड कर सकते हो इन इन पार्टिकुलर सोल्जर्स को, और उसके बदले जो है ना आप मॉडर्न वॉरफेयर की तरफ आप आगे बढ़ोगे, ठीक है। तो रिड्यूस कर जो है एक एम है डिफेंस पेंशन बिल को, साथ ही साथ जो टूर ऑफ ड्यूटी मॉडल है उसको भी इसमें क्या किया जाएगा, आपको एक तरीके से बोल सकते हो बढ़ावा दिया जाएगा, ठीक है। क्योंकि आप जो है ना इस पार्टिकुलर चीज़ को देखोगे तो एक एक जो आर्मी है वो एनुअली जो है ना वो 11.5 करोड़ जो है ना उन्हें उन पे खर्च होता है एक तरीके से पूरे यू नो उनके जॉब यू नो पीरियड के दौरान। वही अगर आप अग्निवीर को देखोगे तो लगभग 12 लाख रुपये उन्हें वापस मिलेंगे, और उनकी जो मंथली होगी तो लगभग 25-30 लाख रुपये में काम चल जाएगी। और साथ साथ आपकी टेरिटेल, हाँ यहाँ पे एक सर ये है कि अगर आप 25% को लेते हो तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप सारे स्किल्ड को ले लिए, 75% में से भी बहुत सारे स्किल्ड होंगे जिसे आपको कहीं ना कहीं वॉलंटरली रिटायर करना पड़ेगा। तो हालांकि वो स्किल्ड होंगे तो उनके लिए इस तरह की कोई कंसर्न नहीं है। जो मेन और एम क्या है कि आपको फ्यूचर रेडी सोल्जर चाहिए, तो इस तरीके से जैसा आपको पता होगा कि जो चाइना है रसिया है वहाँ पर मैंडेटरी है कि आप एज अ सिटीजन जो है ना आपको सोल्जर्स बनना पड़ेगा। और जैसा अभी यूक्रेन रशिया क्राइसिस चल रहा है तो उस पार्टिकुलर सिचुएशन में क्या होगा कि आपको युद्ध पे लगा दिया जाता है, ठीक है। साथ ही साथ आप इम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी और हाई स्किल्ड वर्कफोर्स तैयार करना चाहते हो, क्योंकि आर्मी एक डिसिप्लिन होती है, और जब आप वॉलंटरी रिटायर करोगे तो आपको एक तरह से बोल सकते हो जो है ना आपको क्रेडिट अच्छे से लोन मिलेगा, और फिर एक नई आप बिजनेस तैयार कर सकते हो, ठीक है। कंसर्न हालांकि इस स्कीम की है कि जो प्रेजेंट बेनिफिट्स एंड सिक्योरिटी ऑफ जॉब विल बी द लॉस्ट, क्योंकि आपको वॉलंटरली 75% को रिक्रूट करना पड़ेगा। तो आप इतने अच्छे से काम कर रहे थे लेकिन 4 साल के बाद आपको जॉब को छोड़ना पड़ेगा। डॉट्स अबाउट ट्रेनिंग पीरियड, 6 महीने में जो है एक आदमी कितना अच्छे से ट्रेंड हो पाएगा, इन चीज़ों के बारे में डॉट्स बताया गया है। लॉयलिटी का जो है इरोजन बताया गया है, ठीक है, कि अगर आप जॉब छोड़ देते हैं तो जिस रेजिमेंट में थे उसके लिए आपको लॉयलिटी नहीं होगी। लोग कहीं ना कहीं अपने जाति धर्म से जुड़ा रहता है, लेकिन हमारी जो इंडियन आर्मी है वो अभी भी जाति धर्म से ऊपर, हालांकि रेजिमेंट में रहते हुए अपनी मातृभूमि को प्रोटेक्ट करता है, लेकिन एक लॉयल्टी होती है उसमें कहीं ना कहीं इरोजन देखने को मिलेगा, क्योंकि ये विदाउट कास्ट क्रीड इन सब के आधार पर क्या होता है यहाँ पर सिलेक्शन होगा, ठीक है। अगर आप सिमिलर स्कीम बात करें कि क्या कोई ऐसी कंट्री है जहाँ पर इस तरह की, तो हाँ वॉलंट्री टूर ऑफ ड्यूटीज़ एक ऐसा यू नो यूएसए का आप बोल सकते हैं मिशन है सिक्योरिटी का, जिसमें 6 to 9 और इवन 12 मंथ के लिए जो है ना हर एक सिटीजन्स को जिसे चाहिए जो जिनकी नीड है, ठीक है, और जिन्हें शौक है तो वो वॉलंटरली आप आर्मी में या आप बोल सकते हो जो सेना है अमेरिका में वहाँ पे आप डिप्लॉय हो सकते हो। और ये मैंडेटरी टूर है, टूर ऑफ ड्यूटी है, जिसको कॉन्स्क्रिप्शन बोलते हैं, जिसमें आपको इसराइल, नॉर्वे, नॉर्थ कोरिया और स्वीडन है, ठीक है। हालांकि ये यूएसए वाला जो है मैंडेटरी नहीं है, ये लोगों पे डिपेंड करता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको सेशन अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एज वेल एज डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन, ताकि आपको सही सही समय पर हमारी वीडियोज़ मिल सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच अगेन, बहुत बहुत धन्यवाद।